नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीएम यशस्वी एग्जाम 29 सितंबर 2023 के लिए सोशल साइंस के वीवीए क्वेश्चंस आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्ती किसके समय में शुरू हुई थी? यह अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, अगर आप अंग्रेजी समझते हैं तो आप अंग्रेजी में देख करके उत्तर दे सकते हैं। तो ऑप्शन है विलियम बेंटिक, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और सी है लॉर्ड मिंटो, और डी है लॉर्ड हेंटिंग्स। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा, अगर आप जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्ती शुरू हुई थी। सेकेंड प्रश्न है, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? ऑप्शन है सिद्धो, बी है कानू, सी है बिरसा मुंडा, और डी है चांद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, केलिको अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन देखिए, ए है सूती कपड़े छीट के, बी है चंदन की लकड़ी, सी है गरम मसाला, और डी है रेशमी कपड़े। क्या है इसका सही विकल्प, सूती कपड़े छीट के। ठीक है, तो केलिको अधिनियम इससे संबंधित था, सूती कपड़े से। चौथा प्रश्न लेते हैं, बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मेरठ। काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका आंसर आपको निश्चित रूप से कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर पाँच, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? कानपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी। तो सही आंसर क्या है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, झांसी की रानी भी इसको बोलते हैं, लक्ष्मीबाई को। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला? ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड कैनिंग, और डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, और इसका श्रेय राजा राम मोहन राय को भी जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है कलकत्ता, सी है दिल्ली, और डी है बनारस। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बनारस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर एट है, झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है हॉकी, सी है फुटबॉल, डी है खो खो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर एट का, बी हॉकी। क्वेश्चन नंबर नाइन है, जल ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। तो जहां पर जल होगा उसे ही तो जल ग्रह कहा जाएगा, तो जल कहाँ पर है, पृथ्वी पर है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर दस है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 1 जुलाई। वन दिवस कब मनाते हैं हम लोग, मनाते हैं 21 मार्च को, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा, तांबा, कोयला, पेट्रोलियम। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, कोयला, ऑप्शन सी, कोयला को क्या कहा जाता है, उद्योग की जननी कहा जाता है। किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन है कपास, पटसन, ऊन, रेशम। तो किसको बोलते हैं सुनहरा रेशा, तो ये बोलते हैं पटसन को। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के दो लोह इस्पात केंद्र कौन हैं? राउरकेला और भिलाई, विजयवाड़ा और भद्रावती, जमशेदपुर व बोकारो, कुल्टी व हीरापुर। तो आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, जमशेदपुर और बोकारो। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? ऑप्शन ए है 4 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010, 4 अगस्त 2010, 1 अप्रैल 2008। तो कब लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार कानून, सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947। तो क्या है इसका सही आंसर? 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? ऑप्शन ए है बम्बई उच्च न्यायालय, बी है मद्रास उच्च न्यायालय, सी है दिल्ली उच्च न्यायालय और डी है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इसमें सबसे पुराना कौन है? तो सबसे पुराना है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014, 5 अक्टूबर 2016, 15 अगस्त 2018, 2 अक्टूबर 2018। तो कब से शुरू हुआ था स्वच्छ भारत अभियान? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 18 है, झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता? ऑप्शन ए है अनुसूचित जाति, बी है अनुसूचित जनजाति, सी है पिछड़ा वर्ग और डी है सामान्य वर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सामान्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ऑप्शन ए जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, बी है जो मनुष्य मूर्ख है और अपने को ज्ञानी समझता है, सी में है जो मनुष्य मूर्ख है और लोग उसे मूर्ख मानते हैं, डी है जो मनुष्य मूर्ख है और शांत रहता है। तो इसमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जो मूर्ख है और अपने को ज्ञानी समझता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, मित्र व शत्रु पैदा होते हैं धन से, विद्या से, व्यवहार से, डर से। तो किससे पैदा होता है? व्यवहार से। ठीक है, मित्र और शत्रु किससे पैदा होता है? आपके व्यवहार से। तो इसलिए अपना अच्छा व्यवहार रखें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें।